केमिस्ट्री में संदीप शर्मा में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, जो आपको ले जाएगी जेई और नीट में सक्सेस की ओर। इसलिए चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब करें। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे जर्डाल मेथड। जर्डाल मेथड से हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप के फॉर्म में बेंजीन से अटैच्ड है या एजो ग्रुप के फॉर्म्स में प्रेजेंट है, तब ये टेस्ट नहीं देगा। एग्जाम्पल, पिरिडीन नाइट्रोजन रिंग में है, टेस्ट नहीं देगा। जर्डाल क्यूनोलिन आइसोक्यूलोनिन भी नहीं टेस्ट देगा। तो जर्डाल मेथड से हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, लेकिन जर्डाल मेथड नाइट्रोबेंजीन पर, एजोबेंजीन पर या फिर नाइट्रोजन रिंग पर, रिंग के अंदर हो तो नहीं देगा। अब इस जर्डाल मेथड का कंसेप्ट क्या है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे, तो जितना भी नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा और अमोनिया H2SO4 के साथ में रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना लेगा। इस अमोनियम सल्फेट को वापस हम वापस से हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ में, H2SO4 के साथ, NaOH के साथ। इस अमोनियम सल्फेट को हम रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ में, तो जो अमोनिया थी फिर से रिलीज हो जाएगी। अब जो अमोनिया निकली है उसमें हम एसिड ऐड करेंगे, पर क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी अमोनिया है, तो हम H2SO4 का एक अमाउंट डालते हैं, लेकिन अब हमें पता नहीं है कि कितना एसिड यूज हो चुका है। तो उस एक्सेस एसिड को चेक करने के लिए कि सपोज कर लो हमने 50 ml डाला है, तो 50 ml H2SO4 में से सारा तो यूज हुआ नहीं, तो हम NaOH से H2SO4 को चेक कर लेंगे कि कितना एसिड बचा है। इस तरह हमको पता लग जाएगा कि कितना एसिड एक्चुअल में यूज हुआ। तो हम इसके लिए एक फार्मूला देखेंगे जो जर्डाल मेथड के काम आता है। ये इसकी लॉन्ग कैलकुलेशन है, अभी मैं इस पर नहीं जाऊंगा और हम इस फार्मूले से देखेंगे। तो जर्डाल मेथड का अगर कोई सम आता है तो हम इस फार्मूले से यूज करेंगे। 1.4 एक फिक्स वैल्यू है, N1B1 एसिड की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है और N2B2 बेस की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है और नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर कभी क्वेश्चन में बेस नहीं दिया हो तो हम इस पार्ट को ही रिमूव कर देंगे और खाली फॉर्मूला रह जाएगा 1.4 इंटू N1B1। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर से बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिड से न्यूट्रलाइज रिएक्ट कराया, अमोनियम सल्फेट बना, अमोनियम सल्फेट NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा और फिर से अमोनिया रिलीज कर देगा। इस अमोनिया को वापस हम H2SO4 से रिएक्ट कराकर अमोनियम सल्फेट बना लेंगे और जो एक्सेस एसिड हमने लिया है उसको बेस से न्यूट्रलाइज कर लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जर्डाल मेथड। तो हम देख सकते हैं हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है जिसको हम डिस्कस करने वाले। हमने देखा कि हमारे पास 0.7 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने जर्डलाइज किया और जो अमोनिया हुई उसको एब्जॉर्ब कर लिया H2SO4 में, और बचे हुए एसिड को हमने देखा 10 ml NY5 NaOH से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज किया। अब हमें निकालना है इसका परसेंट। तो हमने देख लिया इसमें एसिड और बेस दोनों ही दे रखे हैं, इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला ढंग से काम नहीं करता। तो हमने यहां से इस फॉर्मूले को कॉपी कर लिया और अब हम नॉर्मली बुक में इस तरह दिए होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो है इसको सेकेंड मेथड कर देता हूं और छोड़ देंगे अपन, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड से करते हैं और फर्स्ट मेथड हमारा ये है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं हमने जो एसिड इसमें यूज किया है
तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह आ जाएगा हमारा 0.07 ग्राम। तो 0.7 ग्राम हमने पुट कर दिया, 1.4 फिक्स रहेगा। N1V1 की जगह पर हमने जो एसिड यूज किया है, ठीक है ना, उसको रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में एसिड का अमाउंट कितना है, 100 ml, 100 ml N/10H2SO4, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, नॉर्मलिटी की जगह तो रख दिया 1/10, ओके, और वॉल्यूम की जगह हमने पुट कर दिया 100। अब हम देखेंगे बेस का कितना वॉल्यूम है और कितना है। तो इसमें हमने लिया है 10 ml N/5 NaOH, तो हमने N2 की जगह तो रख दिया 1/5, 1/5, और इसकी जगह हमने रख दिया 10 ml, ओके। और इन सबको मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन का परसेंटेज 16% आ जाएगा, ओके। हम देखते हैं एक नया न्यूमेरिकल जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें हम देख सकते हैं 0.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने जेल्डाल मेथड से रिएक्ट कराया और फिर जो अमोनिया निकली उसको हमने 50 ml N/2 सेमी नॉर्मल, N/2 का मतलब सेमी नॉर्मल है एक्चुअल में क्वेश्चन में, तो अगर हम सेमी नॉर्मल का मीन्स लिखेंगे तो हो जाएगा N/2 सेमी नॉर्मल। और फिर जो एसिड बचा, अब हमें पता नहीं कितना बचा है, हमने उसमें क्या किया, उसका डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम 150 कर दिया। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हमने क्या किया, इस 150 ml में से केवल 20 ml सैंपल लिया, केवल 20 ml सैंपल लिया, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इतने एम एनएच की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना। तो लास्ट क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्ट ही पुट कर दिया था, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट हमें करना पड़ेगा कि 20 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन को इतने एनएच की जरूरत पड़ती है, तो 150 को कितनी जरूरत पड़ेगी। तो 31/20 × 1 50 ml 0.5 NaOH की हमने इंटू किया तो हमें मिल गया इतने ml NaOH, ठीक है ना। तो जो बचा हुआ एसिड था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 230.5 ml NaOH की जरूरत पड़ी, ओके। अब हमने फॉर्मूला रख दिया, 1.4 की जगह हम 1.4 रखेंगे। एसिड की नॉर्मेलिटी 1/2 या सेमी नॉर्मल है, उसका वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 50 ml, ओके। उसका वॉल्यूम हो जाएगा 50 ml, NaOH की नॉर्मेलिटी 0.05 और NaOH का फाइनल वॉल्यूम 232.5 ml आएगा। और हमने इसको 0.4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 46.8 ml, ओके बेटा। हम चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल को और भी देख लें। हमने फिर से देखा जेल्डाल मेथड का है, हमने इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें यूज किया और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमने इतना एसिड का यूज किया है, और फिर बचे हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इतना NaOH यूज किया है। मतलब क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है ना, फर्स्ट के जैसा है। ये मेथड आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड मेथड बहुत आसान होगा। तो 1.4 की जगह 1.4 रख दिया, ठीक है ना। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह हमने रख दिया 1.325, ओके। अब एसिड की नॉर्मेलिटी हमें दिख ही रही है कितनी है, तो हम वो वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमने वो वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो सब जानते हैं वो वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी 0.2030, ओके। वॉल्यूम हमें दिख ही रहा है, वॉल्यूम है 25.32, ओके। और फिर एनएच की नॉर्मेलिटी हमें दिख ही रही है, ये हमारी है
कितनी, 0.1980, और ठीक है ना, और हमने वॉल्यूम को गलत पेस्ट कर दिया, इसका वॉल्यूम 25 तो NaOH का वॉल्यूम है, तो हमने इस वॉल्यूम को वापस से यहाँ से कट किया और NaOH के वॉल्यूम की जगह रख दिया, और एसिड का वॉल्यूम 50 ml, ठीक है ना। हमने इन सब को इनटू किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें इसका परसेंटेज मिलेगा 5.4। ओके, तो हम देख सकते हैं हमारे तीन न्यूमेरिकल डिस्कस हो गए। तो बेटा थ्योरेटिकल मेथड से करना थोड़ा हार्ड होता है, और जो मैंने फॉर्मूला बेस्ड मेथड बताया है वो बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। और ये सेकेंड मेथड है, फिर भी आप चाहो तो दोनों मेथड से कर सकते हो, पर सेकेंड मेथड हार्ड है और फर्स्ट मेथड इजी है, ठीक है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फर्स्ट मेथड से ही करें। ओके, तो ये सेकेंड मेथड है और ये है अपना फर्स्ट मेथड।